पांच चरण के लोकसभा के चुनाव खत्म हो गई बा। अब चर्चा है बात के शुरू हो गई बा, बाकी के दो चरण बचल बा। दोनों चरण में भारतीय जनता पार्टी अधिकतर सीट पर चुनाव लड़ रहा बा। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अब लगातार मंथन के दौर जारी बा। यहाँ तक ले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगातार जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा बा उस क्षेत्र में दौरा करता रहे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा भी बढ़ गई बा। एकरा साथ साथ सहयोगी दल जे जहाँ बा वजह थोड़ा सा शांत हो गई बा, चूँकि वो लोग के मैक्सिमम सीट पर चुनाव खत्म हो चुकल बा। बाकी के जो दो चरण छठा और सातवां चरण बा ओकरा में अधिकांश जगह अगर देश भर में बात करी तब भी या बिहार में बात करी तब भी भारतीय जनता पार्टी के अब प्रतिष्ठा पूरा दाव पर लागल बा। ए बीच में RSS से जुड़ल और काफ़ी मुखर होकर के प्रखर होकर के और सोच समझ के बयान दे वाला राम माधव के बयान आइल बा। उनका बयान के लेकर के राजनीतिक सोच अलग ढंग से शुरू हो गई बा। राम माधव कहले बाड़े कि हमनी लगे यदि बहुमत नहीं खे आवत तब प्रधानमंत्री बनावे खातिर नरेंद्र मोदी जी के लगे जुगाड़ शुरू हो गई बा, और बहुत सारा दल टूट करके हमनी में शामिल हुई हैं, बहुत सारा गठबंधन ध्वस्त हुई और प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनी है। वही दूसरा तरफ अब चर्चा बिहार में भी शुरू हो गई बा। राम माधव के बयान के बाद हालांकि ये बयान के हमनी के पूरी तरह से तस्दीक नहीं की जा करत, लेकिन राम माधव के बयान पूरी तरह से मीडिया के साथ साथ राजनीतिक घराना में चर्चा में बा। लगातार कई सोर्सेस से खबर आ रहा बा। अब एकर चर्चा बिहार में भी शुरू हो गई बा। रुआ याद हुई गुलाम रसूल बलियावी जौन RJD से जदयू के तरफ आई रहन, जदयू के उनका चलते बहुत सारा नीतीश कुमार जी युक्ति लगवाले बड़े और उनका के कई हाली सदन तक पहुँचवाले बड़े। अब गुलाम रसूल बलियावी जौन की नीतीश कुमार जी के लगातार मुख्यमंत्री और कई तरह से उनका सपोर्ट में रहले, वो कहले बड़े कि अब NDA के जौन स्थिति बा जौन देखे के मिल रहल बा और जौन रुझान आ रहल बा ओकरा हिसाब से नीतीश कुमार जी के अभी भी प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर देवे के चाही। ये भी कहता रहे कि NDA अगर नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री बनावता तो बहुत सारा दल मिल करके और समर्थन में आ जाई हैं। ये बात के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कौना तरह के प्रतिक्रिया व्यक्त करी ऐसे कि लगातार नीतीश कुमार जी के अब आवे वाला जो चरण बा यानी पांचवा चरण से ही थोड़ा सा मन मिजाज बदलल और ये पर लगातार पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से नुक्ताचीनी हो रहा बा। विपक्ष तो लगातार हावी बा, विपक्ष के दावा भी बा कि कोनो सूरत में नरेंद्र मोदी के और NDA के सरकार केंद्र में ना बनी। अब एकरा बाद राम माधव के बयान और गुलाम रसूल के बलियावी के बयान ये बहुत कुछ कहे खाती मजबूर करता, सोचे खाती मजबूर करता NDA के और साथ साथ NDA के साथ साथ बिहार के अलग अलग राज्य में जुड़ल गठबंधन खाती। हालांकि रुआ के बता दी कि राम माधव मीडिया के सामने आकर के और ये बात स्पष्ट रूप से कहले बाड़े कि मीडिया हमरा बात के गलत ढंग से प्रस्तुत कर देबा। हम ये कभी नहीं कहले कि NDA के पूर्ण बहुमत नहीं खे आवत, NDA बिना कोनो दिक्कत के पूर्ण बहुमत में आ रहा बा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा बन रहा बानी। इस बीच में जब जदयू के तरफ से जदयू के एक कदावर नेता गुलाम रसूल बलियावी के तरफ से इस तरीके के बयान आई तो बयान के कौना परिप्रेक्ष्य में लिखल जाओ। 23 तारीख के बाद भूचाल के बात हो रहा बा, बदले के बात हो रहा बा और कई तरह के बयान सामने आ रहा बा। 2014 के तरह नीतीश कुमार जी के दोबारा फिर इस्तीफा देवे के बात आ रहा बा, इस सारा बात चल रहा बा। ये बीच में गुलाम रसूल बलियावी के बयान बहुत मायने रखता, वही राम माधव के बयान पर भी गौर करे लायक बा। जुड़ा रही समय न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, फिर कोनो खबर आवत रुए वालों के सामने लेके हाजिर हो कब, तब तक खाती गोर लगा था नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।